बांधवगढ़, नाम तो सुना होगा। अरे बड़ा पुराना नाम है। माना जाता है कि त्रेता युग में श्री राम ने यह किला अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया था। त्रेता युग खत्म हुआ, पर इतने शानदार किले को इतिहास भुलाता थोड़े ही है। इस महल में न जाने कितने साम्राज्य हुए, और 14वीं शताब्दी में बांधवगढ़ ने खुद को पाया बघेल शासकों के हाथ में। मगर घने जंगल में आना जाना आसान नहीं था, और आखिर जब राजा विक्रमादित्य सिंह ने अपनी राजधानी रीवा में बसा ली, तो कुछ ही समय में जंगल ने किले को एक बार फिर अपने आगोश में ले लिया और वर्चस्व स्थापित। वर्चस्व जंगल के राजा यानी बाघ का। बाघ का जब जब जिक्र होगा, हिंदुस्तान के दिल में बसे इस जंगल का नाम शायद सबसे पहले लिया जाएगा। यहां के चप्पे चप्पे पर हजारों साल से उनकी मौजूदगी के निशान हैं, और आज भी बांधवगढ़ बाघों की घनी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। तभी तो हर साल यहां इतने लोग उसकी एक झलक के लिए दूर दूर से आते हैं। बल्कि कहते हैं, जिसे यहां आके भी टाइगर नहीं दिखा, वो सफारी में सो ही रहा था। पर बांधवगढ़ हमेशा ऐसा नहीं था, कम से कम बीती सदी में तो नहीं। सालों तक इसे एक शिकारगाह की तरह इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश राज की ठाट बाट में बाघ का शिकार आला दर्जे का शौक था। भला उस समय किसने सोचा होगा कि एक दिन गिनती के ही बाघ बचेंगे। पर आजादी के बाद अब भारत संभलने लगा था, और सरकार की नजर पड़ी देश की धरोहर उसके जंगलों पर। धीरे धीरे वन विभाग हरकत में आया, और उसने वन संरक्षण से जुड़ी गतिविधि प्रारंभ करी। और 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने से पहले ही बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत पूरे देश में खास तौर पर बाघों को बचाने की मुहिम चलाई गई, और कुछ ही सालों में बांधवगढ़ फिर से फलने फूलने लगा और बन गया बाघों का एक प्राकृतिक आवास। आज पूरे 50 साल हो गए इसे राष्ट्रीय उद्यान बने हुए। शुरुआत में केवल 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उद्यान के रूप में लिया गया, जो आज सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैले कोर एरिया का केवल एक अंश मात्र है। 72 की बात है जब बठान गांव को यहां से विस्थापित किया गया। 1993 में जब इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो साथ ही बचे हुए गांवों के विस्थापन का काम जोर शोर से चलाया गया, जिसमें जन समर्थन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काबिले तारीफ है उन रहवासियों का बलिदान जो अपना घर छोड़ के एक नई जगह अपनी बस्ती बसाने चल दिए। आज जिनकी जिप्सी में हम घूमने आते हैं ना, इनमें से ज्यादातर इन्हीं गांवों के बाशिंदे हैं, जिनका बचपन इस जंगल में पैदल ही घूमते बीता है। और तो और, लोगों ने सैकड़ों साल पुरानी अपनी मान्यता को भी त्याग दिया, ताकि बांधवगढ़ में जंगली जानवर सुख से रह सके। शेष शैया के रास्ते विष्णु के अवतारों को नमन करते हुए आसपास के गांव से लोग इन प्राचीन मूर्तियों के दर्शन के लिए आज भी आते हैं। लेकिन साल में केवल जन्माष्टमी के दिन बांधवधीश मंदिर स्थित लक्ष्मण के दरबार में। और उतनी ही मान्यता है संत कबीर की, जिनके भक्त यहां कबीर महोत्सव के आयोजन के लिए दूर दूर से पैदल घना जंगल पार करके आते हैं। बात इतिहास की हो रही है, और सीता मंडप का नाम ना आए। भगवान श्री राम और सीता के विवाह मंडप सी दिखने वाली इस गुफा को वाइल्ड लाइफ प्रेमी किसी और वजह से जानते हैं। हां, यह वही गुफा है जहां सीता को पहली बार देखा गया था। सीता, जिसे बांधवगढ़ की कुलदेवी का दर्जा देना गलत नहीं होगा। जब यह जंगल अवैध कटाई और शिकार के दबाव से जूझ रहा था, तब सीता ने इसे आबाद किया। 1986 से 96 के बीच इसने 6 बार शावकों को जन्म दिया, और इसी के साथ शुरू हुआ एक नया दौर, टाइगर टूरिज्म का दौर। और इसमें इसका साथ दिया चार्जर ने, जो मशहूर था अपने आक्रामक रवैये के लिए। देश विदेश के कई फिल्मकारों ने सीता और चार्जर की कथा दुनिया भर में सुनाई। किसी दंत कथा के नायक सा प्रसिद्ध चार्जर आज सूखे पत्तों की चादर ओढ़े इसी जगह आराम कर रहा है, इस बात से बेखबर, बेफिक्र
कि उसका राज कुटुंब आज भी पनप रहा है बांधवगढ़ के कई बाघों के रूप में। पर जिस दौर की नींव सीता और चार्जर ने रखी थी उसे आगे बढ़ाने का असली श्रेय देना चाहिए बीटू यानी सुंदर को। बीटू ने अकेले ही पर्यटन उद्योग की काया पलट दी। इससे पहले कभी भी दुनिया में कहीं भी एक टाइगर को देखने के लिए इतने लोग नहीं आए थे। अरे नाम चलता था अपने बीटू का। और यहीं से पूरे देश भर में पर्यटन से जुड़े लोगों ने एक नया चलन चलाया किसी जंगल को टाइगर के नाम पर प्रमोट करने का। आज वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भारत में सालाना हजारों करोड़ का उद्योग है जिसने स्थानीय रहवासियों के लिए व्यवसाय के नए आयाम खोले हैं। अर्थशास्त्रियों के अध्ययन से मालूम होता है कि एक पर्यटक का 11 लोगों के रोजगार में योगदान होता है। और मध्य प्रदेश वन विभाग की एक पहल के अंतर्गत पर्यटन से होने वाली कमाई में से एक तिहाई हिस्सा सीधा स्थानीय समुदाय के हित में दिया जाता है। चारों तरफ घनी इंसानी आबादी से घिरे बांधवगढ़ का प्रबंधन वन विभाग और वन्य प्राणियों के लिए रोज एक नई चुनौती लेकर आता है। मगर पिछले 50 सालों में किए गए प्रयासों से गांव के रहवासी और वन विभाग के आपसी तालमेल और सौहार्द ने बांधवगढ़ को वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित वन में विकसित किया है। उम्मीद है आने वाली पीढ़ियां भी अपनी धरोहर को संजो के रखने में हाथ बटाएंगी। फिर वन की रक्षा करते हमारे वन रक्षक तो हैं ही और उनका साथ देने के लिए जंगल का राजा बाघ जो युगों से हमारे जंगलों की रक्षा करता आ रहा है। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।